أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم سورة هود ترجمہ تفسیر دسواں رکوع اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا
और बेशक हमने मूसा को किताब दी यानी तौरात, तो उसमें फुट पड़ गई। कुछ उस पर ईमान लाए और कुछ ने कुफ्र किया। अगर तुम्हारे रब की एक बात कि उनके हिसाब में जल्दी न फरमाएगा, मखलूक के हिसाब और बदले का दिन कयामत का दिन है, पहले न हो चुकी होती तो जब ही उनका फैसला कर दिया जाता और दुनिया ही में अजाब में जकड़े जाते, और बेशक वो उसक तरफ से यानी आपकी उम्मत के काफिर कुराने करीम की तरफ से धोखा डालने वाले शक में हैं, जिसने उनकी अकलों को हैरान कर दिया, और बेशक जितने हैं तमाम खल्क तस्दीक करने वाले हों या झुटलाने वाले, कयामत के दिन एक एक को तुम्हारा रब उसका अमल पूरा भर देगा, उसे उन कामों की खबर है, उस पर कुछ छुपा हुआ नहीं। इसमें नेकियों और तस्दीक करने वालों के लिए तो खुशखबरी है कि वो नेक का बदला पाएंगे, और काफिरों और झुटलाने वालों के लिए फटकार है कि वो अपने कर्मों की सजा में गिरफ्तार होंगे। तो कायम रहो अपने रब के हुक्म और उसके दीन की दावत पर, जैसा तुम्हें हुक्म है और जो तुम्हारे साथ रुजू लाया है, और उसने तुम्हारा दीन कबूल किया है, वो दीन और फरमानबरदारी पर कायम रहे। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, सुफियान बिन अब्दुल्लाह सकफी ने रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मुझे दीन में एक ऐसी बात बता दीजिए कि फिर किसी से पूछने की हाजत न रहे। फरमाया, आमंतो बिल्लाह, कह और कायम रह, और ऐ लोगो सरगोशी कानाफूसी न करो, बेशक वह तुम्हारे काम देख रहा है, और जालिमों की तरफ न झुको कि तुम्हें आग छुएगी। किसी की तरफ झुकना उसके साथ मेल मोहब्बत रखने को कहते हैं। अबुल आलिया ने कहा कि मानी ये है कि जालिमों के कर्मों से राजी न हो। सदी ने कहा उनके साथ उठना बैठना न रखो। कतादा ने कहा मुशरिकों से न मिलो। इससे मालूम हुआ कि खुदा के नाफरमानों के साथ यानी काफिरों, बेदीनों और गुमराहों के साथ मेल जोल, रिश्तेदारी, सहयोग और मोहब्बत, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, उनकी खुशामद में रहना वर्जित है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई हिमायती नहीं कि तुम्हें उसके अजाब से बचा सके। यह हाल तो उनका है जो जालिमों से मेल जोल और मोहब्बत रखें, और इसी से उनके हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है जो खुद जालिम हैं। फिर मदद न पाओगे। और नमाज कायम रखो दिन के दोनों किनारों। दिन के दो किनारों से सुबह शाम मुराद हैं। जवाल से पहले का वक्त सुबह में और बाद का शाम में दाखिल है। सुबह की नमाज फजर और शाम की नमाज जोहर और असर है, और कुछ रात के हिस्से में और रात के हिस्सों की नमाजें मगरिब और इशा है। बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। नेकियों से मुराद या यही पंजगाना नमाजें हैं जो आयत में बयान हुई, या मुतलक तातेया सुभानअल्लाह वलहम्दु लिल्लाह वला इलाहा लल्लाहो वल्लाहो अकबर पढ़ना। आयत से मालूम हुआ कि नेकियां छोटे मोटे गुनाहों के लिए कफारा होती है, चाहे वो नेकियां नमाज हो या सदका या जिक्र या इस्तगफार या कुछ और। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि पांचों नमाजें और जुमुआ दूसरे जुमुए तक, और एक रिवायत में है कि एक रमजान से दूसरे रमजान तक, ये सब कफारा हैं उन गुनाहों के लिए जो इनके बीच हों, जबकि आदमी बड़े गुनाहों से बचे। एक शख्स ने किसी औरत को देखा और उससे कोई खफीफ यानी मामूली सी हरकत बेहिजाबी की सरजद हुई, उस पर वह शर्मिंदा हुआ और रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपना हाल अर्ज किया। इस पर यह आयत उतरी। उस शख्स ने अर्ज किया कि छोटे गुनाहों के लिए नेकियों का कफारा होना क्या खास मेरे लिए है? फरमाया, नहीं सबके लिए। यह नसीहत है नसीहत मानने वालों को, और सब्र करो कि अल्लाह नेकों का नेक नष्ट नहीं करता। तो क्यों न हुए तुमसे अगली संतों में यानी पहली उम्मतों में जो हलाक की गई, ऐसे जिनमें भलाई का कुछ हिस्सा लगा रहा होता कि जमीन में फसाद से रोकते। मानी ये है कि उन उम्मतों में ऐसे नेकी वाले नहीं हुए जो लोगों को जमीन में फसाद करने से रोकते और गुनाहों से मना करते, इसीलिए हमने उन्हें हलाक कर दिया। हाँ, उनमें थोड़े थे वही जिनको हमने निजात दी। वो नबियों पर ईमान लाए और उनके अहकाम पर फरमान बरदार रहे और लागों को फसाद से रोकते रहे, और जालिम उसी ऐश के पीछे पड़े रहे जो उन्हें दिया गया।
और नियमतों, लजीज चीजों और ख्वाहिशात और वासनाओं के आदि हो गए और कुफ्र व गुमराही में डूबे रहे और वो गुनहगार थे। और तुम्हारा रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को बेवजह हलाक कर दे और उनके लोग अच्छे हों। और अगर तुम्हारा रब चाहता तो सब आदमियों को एक ही उम्मत कर देता तो सब एक दीन पर होते और वो हमेशा इख्तिलाफ में रहेंगे, कोई किसी दीन पर कोई किसी पर, मगर जिन पर तुम्हारे रब ने रहम किया वो सच्चे दीन पर सहमत रहेंगे और उसमें इख्तिलाफ न करेंगे। और लोग उसी लिए बनाए हैं, यानी इख्तिलाफ वाले इख्तिलाफ के लिए और रहमत वाले सहमति के लिए। और तुम्हारे रब की बात पूरी हो चुकी कि बेशक जरूर जहन्नम भर दूंगा जिन्नों और आदमियों को मिलाकर, क्योंकि उसको इल्म है कि बातिल के इख्तियार करने वाले बहुत होंगे। और सब कुछ हम तुम्हें रसूलों की खबरें सुनाते हैं जिससे तुम्हारा दिल ठहराए, और नबियों के हाल और उनकी उम्मतों के सुलूक देखकर आपको अपनी कौम की तकलीफ का बर्दाश्त करना और उस पर सब्र फरमाना आसान हो। और उस सूरत में तुम्हारे पास हक आया और नबियों और उनकी उम्मतों के तज़किरे वाकये के अनुसार बयान हुए जो दूसरी किताबों और दूसरे लोगों को हासिल नहीं, यानी जो वाकियात बयान फरमाए गए वो हक भी है। और मुसलमानों को पंद उपदेश व नसीहत भी की गुजरी हुई उम्मतों के हालात और उनके अंजाम से सबक पकड़े। और काफिरों से फरमाओ तुम अपनी जगह काम किए जाओ, बहुत जल्द उसका नतीजा पा जाओगे। हम अपना काम करते हैं जिसका हमें हमारे रब ने हुक्म दिया, और राह देखो हम भी राह देखते हैं तुम्हारे अंजामेकार यानी अंत की। और अल्लाह ही के लिए हैं आसमानों और जमीन के गए, उससे कुछ छुपा नहीं सकता, और उसी की तरफ सब कामों की रुजू है। तो उसकी बंदगी करो और उस पर भरोसा रखो, और तुम्हारा रब तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं। अज़्ज़ब जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ब जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नियत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे हम सभी के बख्शिश का जरिया बन जाए। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।